अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बोटी टिक्का कलेजी और पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में जो है ऑयल लिया है थोड़ा सा, फिर इसमें जो है मैंने तमाम प्याज ऐड किए और इनको हल्का सा जो है भून लेते हैं। मैंने लिया है गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून जो है मैंने ऐड किया इसमें, और हल्का सा इसको भून लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड किए हैं, उनको भी थोड़ा सा जो है भून लेते हैं। मसाले ऐड करती हूँ, उसके लिए मैंने लिया ब्लैक पेपर, रेड चिली और हल्दी लिया है तो उसको लगा के और इनको हल्का सा भून लेते हैं। मैम मसाले ऐड कर दिए हैं, लेकिन जो सॉल्ट है वो सबसे अन मसाले क्योंकि इससे जो है वो अगर पहले डाल दो तो चिली जो है वो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए जब ये पक जाती है तो उसके बाद जो है ना सॉल्ट है वो ऐड करते हैं, इसलिए मैंने भी अन में शामिल किया। और हम इसमें तमाम कलेजी ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से जो है वो भून लेते हैं। पेपर ऐड किए, उनको भी भून लें। ये सेम जो है मैंने छोटे वाले टमाटर ऐड किए हैं, देखिए कलेजी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं मज़ीद टेस्टी करने के लिए और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। देखिए और यहाँ पे जो है पराठा भी रेडी है।
देखिए ये फाइनल लुक है कलेजी की, बन के तैयार हो चुकी है और हमारा पराठा भी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।